सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं सभी भाइयों का आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं कैथल से, प्रॉपर कैथल से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। पहले भी एक दो वीडियो हमने भाई साहब के यहाँ बनाई है और काफ़ी बड़ी बड़ी जोटियाँ जैसा कि कैथल और जींद में हमें देखने को मिलती हैं, आज की वीडियो में भी हम काफ़ी बड़ी बड़ी जोटियाँ देखेंगे। सारी की सारा जो पशुधन है वो बिल्कुल छोटे छोटे सींग का है। और कैथल में ये कौन सी जगह है भाई साहब से बात करेंगे। पहले मैं आपको डेयरी का नाम बताना चाहूँगा, कुंडू डेयरी फार्म के नाम से भाई साहब काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। पवन है मेरा नाम। पवन नाम है भाई का। तो भाई साहब कितने साल हो गए डेयरी फार्म का काम करते हुए? फार्म का तो पहले दादाजी कर रहे थे, पिताजी कर रहे हैं, आगे हम कर रहे हैं। 50-60 साल हो गए ये कह सकते हैं। तो भाई साहब ये जो बैसे आज की वीडियो में कितनी, 7 तो मेरे ख्याल से सामने दिख रही हैं। 7 है, एक अंदर है। अच्छा, तो ये बिकी हुई हैं या बिकने वाली हैं? सब बिकी हुई हैं, सब दो आने वाली हैं, अभी आ रही हैं। तो जो 10 का लोड भेजना है, कहाँ भेजना है जी? बेंगलोर जाएगा भाई साहब। नए पुराने कैसे ग्राहक हैं अपने? ये अपने पुराने ग्राहक हैं बेंगलोर के। अच्छा अच्छा, परमानेंट आपसे ही ले रहे हैं। ठीक है, तो किधर से शुरू करेंगे पशु दिखाना? वैसे रूटीन की बात करें, कितने दूध से कितने दूध वाली वैसे आप रखते हो, अपने ग्राहकों को देते हो? 12 से 14। और रेट क्या होता है लगभग? रेट यही कोई 1 लाख का, कोई 10 का, 15 का, 20 का, 25 का। जैसे अभी महंगाई चल रही थी तो 30, 35, 40 तक तक भी चली गई थी। ठीक है, लेकिन बहुत सारी वीडियो भाई साहब हम बनाते हैं तो लगभग कोई भाई कहता है कि 1 लाख रुपये में 20 किलो दूध, 18-17 किलो दूध। आप 12 से 14 किलो दूध बताया और कीमत बताइए 1 लाख से 1 लाख 20-25 हज़ार के बीच में, तो उसका क्या रीज़न, के क्या समझते हो आप भाई साहब? अपनी अपनी सबकी दुकानदारी है। हाँ हाँ, सब इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। हाँ, बहुत सारी जनसंख्या है। हाँ, सबके अपने अपने मन है, सबके अपने अपने व्यू हैं। हाँ, हाँ, सबका अलग अलग तरीका है। हाँ, हाँ, इसमें अपन किसी से बोल नहीं सकते भाई। हाँ, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। हाँ, जो अपनी है वो बता दी। हाँ हाँ, वैसे मुश्किल है 18 किलो दूध की वैसे 1 लाख में मिलनी भाई साहब, नामुमकिन ही माने। हमें तो मिलती नहीं, मिलती होगी तो पता नहीं। सही बात है जी। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, तसल्ली करके, जैसा कि मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अपनी पूरी तसल्ली करके 2-3 टाइम दूध देख के पशुधन खरीदें, मार्केट में रेट का सर्वे करें। और भाई साहब ने इशारों में ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बहुत ही समझदार आदमी है, पहले भी जब भी हमारी बात हुई है, और ज़्यादा कहना भी नहीं चाहिए, इशारों में ही कोई भाई समझ जाए तो बढ़िया है। अभी एक नंबर पर बड़ी जोटी आएगी, इसके बारे में बात करेंगे भाई साहब। ये जोटी कौन से ब्यांत की है, कितना दूध दे रही है? दूसरे ब्यांत की है भाई साहब। दूसरे ब्यांत की कितना दूध दे रही है? अभी 14 कितने दिन की ब्याई में 14 किलो दूध है? होगी 12-13 दिन की में 14 किलो। कितने की दी है भाई जी? सीधी लंबी लो, 1,25,000 रुपये की दी है। देखिए 12-14 किलो दूध दूसरे ब्यांत की, फुल लंबाई ऊंचाई की भैंस है, जोटी है, बहुत बढ़िया लंबाई, छोटे सींग की, और 1,25,000 रुपये की इन्होंने जो है अपने ग्राहक को दी है। देखिए कुंडू डेयरी फार्म के यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की, पहले भी जब हम वीडियो बनाने आए थे तो भाई साहब के पास बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर जोटियाँ थी। आज भी जो भाई एक जो हमने देखी है वो अच्छी है। इससे आगे ये वाली भाई साहब कितने दूध वाली है? 14-15 तैयार है। रोकना भाई, 14-15 तैयार है। तो ये कितने की बेची है भाई साहब? 1,30 की। ये भी बेंगलोर ही जाएगी, एक ही गाड़ी में जाएंगी 10 बैसे, और बेंगलोर जानी है 1,30,000 रुपये की, 15 किलो दूध इसमें तैयार है। और बताना चाहूँगा भाइयों को, लगभग दोपहर के मेरे ख्याल से 3 बजे होंगे भाई साहब, 3 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। कितने बजे दूध निकलता है जी सुबह? अपना दूध सुबह निकलता है जी 6 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 5 और 6 के बीच में, वही शाम को निकलता। तो लोकल बिक्री है दूध की या दूध वाला? 70 रुपये चला जाता जी यहाँ। अच्छा अच्छा, बंद हो जी, 70 रुपये किलो दूध यहाँ बिकता है, जो कि मैं एक किस्म से कहूँगा एक डेयरी फार्मर को बस जिंदा जिंदा रखने वाला 70 रुपये का रेट है। अगर 100 रुपये की बात करें तो ही किसी डेयरी फार्म वाले को बचत आ सकती है, और जो भाई 30, 35, 40 में देते हैं वो तो रेट एक किस्म से ये कह सकते हैं घाटे का ही सौदा है। ये वाली बताओ जी भैंस, ये
एक पंद्रह की दूध कितना है? बारह किलो दूध तैयार है, एक पंद्रह की दी है और दूसरे ब्यांत की, दूसरे ब्यांत की ले आओ भाई। साफ सुथरी भैंस देखिए, तीसरी भैंस हम देख रहे हैं और कोई भी भैंस ना तो थनों पे आई हुई है और ना ऐसा है कि अडर लाल होके ऐसा लग रहा हो कि कोई टाइम लगा रखा है। अभी तो टाइम लगभग 3 घंटे के आसपास जो हैं बाकी हैं। ये वाली बताओ जी, ये भाई साहब दूसरी बार की है, आज खीस में ही है। अच्छा खीस में है, ठीक है। अभी आई है, सुबह ली थी। ठीक है, ये कितना दूध दे देगी भाई साहब? दूध दे देगी 12 किलो। 12 किलो, ये कितने की दी है भाई साहब? 1 15 की दी है। 1 15 की दी है, 12 किलो दूध दे देगी। देखिए बहुत ही साफ सुथरी जोटी है, बिल्कुल छोटे सींग की और ऐसी ऐसी जोटियाँ बहुत सारे भाई 17-18 लीटर दूध की कह के बेचते हैं, लेकिन भाई साहब के यहाँ जो भी बात हमें दिखाई दे रही है, सुन पा रहे हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरी और सही बात कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत साफ सुथरी जोटी है बिल्कुल। जो भी भाई भाई साहब के यहाँ से भैंस लेना चाहते हैं कुंडू डेयरी फार्म से कैथल में, ये कौन सी जगह है भाई जी अपनी डेयरी? मॉडल टाउन में, ठीक है, जींद रोड के ऊपर मॉडल टाउन है और वहाँ पे भाई का डेयरी फार्म है। ये बताओ जी भैंस, ये भी आज खीस में से खाली हुई भाई साहब, अभी आई है। अच्छा हाँ। ये कितना दूध निकाल देगी? इसकी दूध तो निकालना चाहिए 14-15 इसको भी। ये कितने की दी है? 1 22 की दी है, 14-15 किलो दूध ये भी निकाल देगी। फुल साइज की भैंस है, देखिए सींग थोड़ा सा खुला जरूर है लेकिन लंबाई ऊंचाई बहुत बढ़िया, थोड़ा सींग भी खुला है, थोड़ी पूंछ में भी ज़्यादा वाइट बाल है, लेकिन ये चीज़ें बहुत सारे जो साउथ इंडिया में हैं इन चीज़ों को नहीं देखते हैं और उनको पता भी नहीं है कि काली पूंछ होनी चाहिए कि सफ़ेद होनी चाहिए, बस दूध से मतलब है। और ऐसी ऐसी भैंसें बहुत ही साफ सुंदर हैं, इनके बच्चे ज़रूर भी किसी भी डेयरी फार्म पे जाएं उनको लेने चाहिए। और उधर दिखानी है जी, और जो भैंसें हैं इधर भी देखिए, जैसा कि बता रहे हैं भाई साहब 70 रुपये किलो दूध इनका बिकता है, तो बड़े बड़े बच्चे भी देख पा रहे हैं, दूध बेचने के लिए भी भाई साहब जो है भैंसे रखते होंगे। तो भाई साहब दाने में क्या देते हो पशुओं को? दाने में तो खल चल रही है जी, गेहूँ का दलिया है, हाँ हाँ, चने की दाल है जी, यही तीन चीज़ें। तो बिनोले की खल तो काफ़ी महंगी होगी भाई साहब आजकल, बहुत महंगी होगी। कितने रुपये का आ रहा है 50 किलो का बैग? 50 किलो का बैग 2100 रुपये का आ रहा है जी। 2100 का, ठीक है। ये वाली बताओ जी जोटी, दूसरे ब्यांत की है? खर की है। अच्छा दांतों में है? हाँ, दांत। कितने दांत है? चार दांत, पहले ब्यांत की। ये भाई साहब कितना दूध दे रही है? दूध होगा जी इसमें 14-15 किलो। तो इसकी क्या कीमत रखी है भाई जी? भाई साहब ये थोड़ी महंगी है। अच्छा कितनी महंगी है ये? 151 की दी है। 151 की आपने खरीदी है, बेचनी है आगे? ना बेचनी, घर रखी है। 151 की चार दांत जोटी देखिए, फुल साइज की 14-15 किलो दूध दे रही है और भाई साहब ने जो है इस जोटी को घर पे रखा है। ये देखिए फुल लंबाई ऊंचाई की है, अगले साल बहुत सुंदर बनेगी जोटी। और कितने दिन की ब्याई है जी ये? हो गया 6-7 दिन। 6-7 दिन की ब्याई में इतना दूध है? हाँ। बहुत बढ़िया, 151,000 के लिए। बाकड़ी भैंस भी कोई बिकाऊ है जी? तो भाई साहब कोई भाई अगर बाहर से आपसे बात करना चाहे तो कहाँ कहाँ आप दे दोगे भैंसों की सप्लाई? भाई साहब नागपुर महाराष्ट्र में जाती है अपनी ज़्यादातर। हाँ हाँ, नागपुर का ही ज़्यादा है या पूना का है। साउथ में तो बेंगलोर ही ज़्यादा जाती है अपनी। अच्छा हाँ। वैसे अगर कोई आंध्रा या कहीं से भी कोई ऑर्डर करना चाहे तो उपलब्ध करवा देंगे भैंसे? करवा देंगे भाई साहब अगर जी कोई लेना चाहेगा तो। अच्छा तो रेट यही होगा जो आपने बताया? एक विनती करता हूँ सब भाइयों से, कोई भी भाई कॉल ना करे, सिर्फ मैसेज डाल दें व्हाट्सएप पे, इस बात का ध्यान रखे। हाँ व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करे। हाँ, हाँ, तो व्हाट्सएप का नंबर क्या है अपना? 9416911118। 9416911118। इस व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज कर दे जितनी भी भैंस चाहिए। हाँ, हाँ। तो फिर खुद आके आप उनको यहाँ खुद दिलवाएंगे देंगे या आप मोबाइल से? नहीं नहीं, मोबाइल का तो चक्कर आप पड़ दे नहीं। हाँ, हाँ। यहाँ आ जाएंगे और भैंस ले जाएंगे। ठीक है। हाँ। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए आज की वीडियो कुंडू डेयरी फार्म कैथल से लेके आए, बिल्कुल साफ सुथरी भाई साहब की बातें। फ़ोन फान ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे, सही भी तरीका यही है क्योंकि फ़ोन सुनते सुनते एक
दिमाग ख़राब होने वाला काम है। और जितने भी डेयरी वाले भाई हैं लगभग मोस्टली जो काम में अपने काम में लगे ही रहते हैं और फ़ोन ज़्यादा सुन सुन के फिर परेशानी बढ़ती है, तो आप कुंडू डेयरी फार्म से संपर्क कर सकते हैं। इनके व्हाट्सअप नंबर रेगुलर नीचे स्क्रीन में चल रहे हैं। सभी भाई जो भी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और भाई साहब की बातें कैसी लगी, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो, और भाई साहब की बातें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो दूध 20-22 किलो की बातें 18 किलो की बातें हैं उनकी बजाय, काफ़ी बार मैं कहता हूँ कि 14-15 किलो दूध की आप बात करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वही बात जो है भाई साहब ने आज की वीडियो में हमें बताई। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी तरफ से नमस्कार।